समाचारों की ओर। पित्र स्मृति वन ट्रांसपुर नगर में वृक्षारोपण किया गया। आज सुबह 10 बजे नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता गुप्ता, उपाध्यक्ष धर्म सोनी, सीएमओ तेज सिंह यादव, प्रेम नारायण राठौर, भजन के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। पित्र स्मृति वन में 500 पौधे लगाने का लक्ष्य पित्र स्मृति वन में समिति के सदस्यों ने बताया कि ट्रांसपोर्ट को हरा भरा बनाने के लिए नगर पालिका पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है और सहयोग करती रहेगी। इसी क्रम में नगर सेठ भजन जी ने कहा कि मैं स्मृति के सदस्यों को जो भी जरूरत होगी वह मैं पूरी करूंगा। इस कार्यक्रम में समिति के सदस्य अनूप सोडी, गुलाब राज, रवि रतलामी, राज सिंह, अजय वर्मा, हरिओम सोनू, किरार कमल मनोज उपस्थित रहे। विशेष अतिथियों में अरुण चतुर्वेदी, आशीष मंगल, कैलाश धाकड़, पार्षद शेखर वशिष्ठ, अंसार भाई, वीरेंद्र अहिरवार, राणा रामस्वरूप धाकड़, रंगेश श्रीवास्तव, जगदीश नरेंद्र सोनवार, गजेंद्र चौरसिया, सूर्या राठौर, हरि सिंह जाट, नितिन सचदेवा, विनोद राठौर, निर्मल राठौर, सोनू तिवारी उपस्थित रहे। आज मेरे तो हमारे कैलाश भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह आज उनका जन्मदिन में उस दिन वृक्षारोपण किया जा रहा है और पितृ स्मृति वन के जो भी मेम्बर हैं, सोडी भैया, आदरणीय हमारे गुलाब राज जी और सभी साथी और भजन अंकल और भी यहाँ के जो भी यहाँ के स्मृति वन के जितने भी मेम्बर हैं सभी को मैं पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो आज इतना अच्छा काम किया। मैं तो सभी को यही सलाह दूंगी कि जितना भी वृक्षारोपण हो अच्छे से हो और उनकी सुरक्षा की जाए। ये नहीं कि अपन ने पौधे लगा दिए, उनका ध्यान भी रखना है, समय समय पर उनको पानी भी देना है, खाद भी देना है। अगर आप इनकी सेवा नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। वृक्षारोपण करने का काम ये है कि अपन को उनकी सुरक्षा भी करना है। जी, जैसे कि देखने में आ रहा है कि नगर पालिका क्षेत्र में काफी पेड़ काटे गए हैं, चाहे तो अपन रोड के मामले में देख ले कि रोड को लेकर इसके लिए आपके द्वारा क्या प्लान किया जा रहा है जिससे आगे पेड़ की कटाई ना हो। नगर पालिका क्षेत्र से वृक्षारोपण भी किया जा रहा है, क्योंकि ये ना पेड़ तो इसलिए काटे जा रहे हैं कि रोड को चौड़ीकरण हो गए, उनको ट्रांसप्लांट भी किया जा रहा है। नहीं कर रहे हैं, जगह जगह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वृक्षारोपण हो रहा है समय समय पर। आगे पूर्ति करिए भाई साहब, पूछ लो जो भी पेड़ अभी लगाए जाएंगे। पितृ स्मृति दुकान में वन में ये पूरी क्लब द्वारा जो कि हमारे परम आदरणीय दादा भजन सेठ जी माननीय उनके नेतृत्व में ये सब लोग उनसे प्रेरणा लेकर और ये ट्रांसपोर्ट नगर के स्मृति पितृ स्मृति वन में आज जो हमारे सोडी भाई, कैलाश जी, हमारे आशीष मंगल जी, गुलाबराज जी, ये जो पूरी टीम है एक इतना अच्छा काम किया है कि लोग केवल फोटो खिंचाने के लिए वृक्षारोपण करते हैं कई लोग, ऐसा नहीं, बहुत से लोग उसकी रक्षा और सुरक्षा सबकी व्यवस्था भी करते हैं। लेकिन हम जब 3-4 दिन पूर्व आए थे सीएमओ साहब और हम उपाध्यक्ष जी वगैरह सब, तब हमने देखा था कि उन्होंने बाकायदा उसकी फेंसिंग करी पहले, फिर गड्ढे खोदे, उसके बाद उसमें वृक्षारोपण किया जा रहा है। और वो लोग सुबह 6 बजे से आते हैं पूरी टीम खुद और अपने हाथों से, और उन्होंने ये पूरी व्यवस्था खुद की, फेंसिंग की, और उसके बाद वो जो वृक्षारोपण कर रहे हैं जिसमें मैं नहीं समझता कि कम से कम वो 500 पौधे का उनका लक्ष्य है, प्लस उसको 3 साल तक उनकी सुरक्षा करना, ये एक बहुत बड़ा काम इस संस्था द्वारा किया जा रहा है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्षा, हमारे उपाध्यक्ष जी व सीएमओ साहब का पूर्ण रूप से सहयोग है। हमसे जो भी ऐसे कार्यों में सहयोग होगा हम नगर पालिका की ओर से व व्यक्तिगत रूप से तत्पर 24 घंटे इस कामों के लिए खड़े हुए, और हम चाहेंगे कि हर व्यक्ति, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान भी चल रहा है कि अपनी माँ के नाम एक पौधा लगाएं, तो मेरा तो इस नगरवासियों से, इस नगरपालिका क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों से, माताओं बहनों से सबसे निवेदन है कि वो अपना जन्मदिन हो, उनकी मैरिज एनिवर्सरी हो, उनके बच्चे का जन्मदिन हो,
किसी भी नाम किसी के रूप में वो कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा करे। ये संदेश मैं सभी को देना चाहता हूँ, नापाध्यक्ष जी की तरफ से, मेरी तरफ से, और नगर पालिका के वृक्षारोपण या ऐसे कार्यों में जहाँ भी सहयोग की आवश्यकता होगी हम तत्पर खड़े हैं। और एक बार फिर पुनः ऐसे क्लब के ऐसे सभी सदस्यों को मेरी ओर से बधाई। और इसी क्लब के आज हमारे पार्षद वरिष्ठ जो लगातार चार चार वार्ड से पार्षद हैं अलग अलग वार्डों से, वह हमारे चेयरमैन भी है भाई कैलाश धाकड़ जी, उनका जन्मदिन भी है, तो कितनी खुशी की बात है कि ऐसे टाइम पे ये कार्यक्रम इस क्लब द्वारा रखा गया। तो मैं आज उनको अपनी ओर से, इस क्लब की ओर से और नगर पालिका परिषद की ओर से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। जो हो रहा है उसमें हम सोच रहे हैं पूरी ट्रांसपोर्ट नगर को हरी भरी करें, और हमको सहयोग मिल रहा है हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी से, नगर पालिका और CMO साहब से, इनका पूरा सहयोग है। इन्होंने कहा पानी की व्यवस्था, तार फेंसिंग व्यवस्था, पौधों की व्यवस्था, ये सब उपलब्ध करा रहे हैं हमारे नगर पालिका वाले। आदरणीय धर्म भैया जी, अरविंद गुप्ता जी, हमारी जे सविता भाभी जी, इनका पूर्ण सहयोग है। और आने वाले समय में पूरा हरियाली से पूरा भर देंगे, डिवाइडर है उधर पूरे में लगाएंगे, पीछे हमारे अध्यक्ष साहब ने भी जगह बताई है उधर भी लगाएंगे। CMO साहब भी आए, उन्होंने पूरा हमको ट्रांसपोर्ट नगर घुमाया और जगह उपलब्ध कराई है, और उन्होंने हमें दिशा निर्देश भी दिए हैं कि किसी और का नुकसान ना हो, उन्होंने हमें हद भी दी है, उसके अंतर्गत हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और 3 साल तक इसका हम पाल पोषण करेंगे। धन्यवाद।